डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश एक्सरसाइज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें आज की वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी सकल की पोएम वोकेशन की एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे तो आइए शुरू करते हैं पहले है वर्किंग विद द पोएम फर्स्ट है योर पार्टनर एंड यू मे नाउ बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन आपके पार्टनर और आप अब इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोएम इस कविता में स्पीकर यानी बोलने वाला कौन है हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स किन लोगों से स्पीकर मिलता है वट आर दे डूइंग वे क्या कर रहे होते हैं आंसर स्कूल गोइंग चाइल्ड इज द स्पीकर इन द पोएम इस पोएम में एक स्कूल जाने वाला बच्चा स्पीकर है एवरी डे ही हैपन्स टू मीट द हॉकर सेलिंग बेंगल्स द गार्डनर डिगिंग अवे एट गार्डन एंड वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल नाइट हर रोज़ वह एक चूड़ी बेचने वाले से एक बगी एक माली से जो बगीचे की मिट्टी खोद रहा होता है एंड वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल नाइट और एक चौकीदार जो सारी रात गली में चक्कर लगाता रहता है उनसे मिलता है सेकंड है व्हाट विशेज डज़ द चाइल्ड इन द पोएम मेक इस पोएम में बच्चा क्या क्या इच्छाएं व्यक्त करता है वाई डज़ द चाइल्ड वांट टू बी ए हॉकर ए गार्डनर और ए वॉचमैन वह एक फेरी वाला एक माली और एक चौकीदार क्यों बनना चाहता है पिक आउट द लाइंस इन ईच स्टेंजा विच टेलस्टिस स्टेंजे से एक लाइन लीजिए जो हमें इसके बारे में बताए आंसर द लिटल चाइल्ड इज इनोसेंट छोटा बच्चा मासूम है ही वॉचिज़ द पीपल क्लली अराउंड हिम वह अपने चारों ओर लोगों को बारीकी से देखता है ही इज सिकेक्स ऑन हिज मोमेंट्स वह अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण से दुखी हो चुका है He wants to enjoy the same freedom as do the hawker, the gardener, and the watchman. They do what they like. The child says, वह उसी तरह की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहता है जैसी स्वतंत्रता फेरी वाला माली और चौकीदार आनंद लेते हैं दे डू वट दे लाइक वे वही करते हैं जो उन्हें पसंद होता है द चाइल्ड सेज़ बच्चा कहता है आई विश आई वर ए हाकर काश मैं एक फेरी वाला होता स्पेंडिंग माई डे ऑन द रोड जो सारा दिन सड़क पर अपना समय व्यतीत करता सेकेंड लाइन है आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे ऐट द गार्डन काश मैं एक माली होता जो बाग की मिट्टी खोदता थर्ड लाइन है आई विश आई वर ए वॉचमैन काश मैं एक चौकीदार होता वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट जो सारी रात गली में घूमता रहता थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द वे द चाइल्ड एनवीज द हक्कर द गार्डनर एंड द वॉचमैन जिस तरह से बच्चा फेरी वाले से माली से और चौकीदार से ईर्ष्या करता है वी कैन गेस दैट देर आर मैनी थिंग्स द चाइल्ड हैज़ टू डू और मस्ट नॉट डू हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे को करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए मेक ए लिस्ट ऑफ द डूज़ एंड डोंट्स दैट आर द दैट द चाइल्ड डज़ नॉट लाइक द फर्स्ट लाइन इज़ डन फॉर यू उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो एक बच्चे को करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए पहले है द चाइल्ड मस्ट बच्चे को जो चीज़ करनी चाहिए उनकी लिस्ट बना रहे हैं हम द चाइल्ड मस्ट कम होम एट ए फिक्स टाइम बच्चे को एक निश्चित समय पर घर आना चाहिए ओबे हीज एल्टर्स अपने से बड़ों का बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए डू हिज़ होमवर्क रेगुलरली अपना गृह कार्य नियमित रूप से करना चाहिए बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट सत्यवादी और ईमानदार बनना चाहिए गो टू स्कूल एवरी डे हर रोज स्कूल जाना चाहिए वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग और सुबह जल्दी उठना चाहिए अब हम उन चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे जो एक बच्चे को नहीं करनी चाहिए द चाइल्ड मस्ट नॉट गेट हिज क्लोज डर्टी इन द डस्ट बच्चे को धूल मिट्टी से अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए बी लेट फॉर स्कूल स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए ईट जंक फूड जंक फूड नहीं खाना चाहिए बी रूड और इल मैनर्ड रूखा और बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए गेट वेट इन द रेन बारिश में नहीं भीगना चाहिए वॉक ऑन द डार्क एंड लोनली स्ट्रीट्स एट नाइट रात को सुनसान गलियों में अकेले नहीं घूमना चाहिए फोर्थ है लाइक द चाइल्ड इन द पोएम पोएम में बच्चे की तरह यू पर हैप्स हैव योर ओन विशेज़ आपकी भी अपनी इच्छाएं होंगी टॉक टू अर फ्रेंड यूजिंग आई विश आई वर अपने मित्र से बातचीत कीजिए कीजिए आई विश आई वर का प्रयोग करते हुए इसका आंसर है आई विश आई वर ए बर्ड टू फ्लाई अक्रॉस द स्काई काश मैं एक पक्षी होता जो आकाश के आर पार उड़ता रहता आई विश आई वर ए ग्रेट लीडर और सिंगर काश मैं एक महान नेता या गायक होता आई विश आई हैड लोड्स ऑफ मनी टू स्पेंड काश मेरे पास खर्चने के लिए बहुत सारा धन होता आई विश आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल काश मैं स्कूल का प्रधानाचार्य होता डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू